हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द केट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एज यू ऑल नो दैट द आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 आ चुका है, जिसमें से कि आपके पास टोटल ऑफ 7900 प्लस पोस्ट हैं, जिसके कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है कब, 30 जुलाई 2024 को, और लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, 29th ऑफ अगस्त 2024। होप कि आप सभी ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, जिसने भी अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है, सो पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको पता ही होगी। जैसे कि आपको सबसे पहले याद रखना होता है कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना है, जोन सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है क्या, पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपको जोन डिसाइड करने के लिए और पोस्ट प्रेफरेंस देखने के लिए। ठीक है ना, तो जोन जब डिसाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, और उसके अलावा क्या देखते हैं कि अपना प्रेफरेंस क्या होगा, जॉब जॉब के टाइम पे हम कहाँ पे रहेंगे, क्या लोकेशन होगी, उसके हिसाब से हम अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, गेट एकेडमी की बात करते हैं, तो गेट एकेडमी आपके लिए कोर्स लेके आया है ओनली फॉर ₹777, केवल ₹777 में आपके लिए CBT 1 एंड CBT 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, क्यों CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि अभी CBT 1 है, उसके बाद CBT 1 अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ज़्यादा टाइम CBT 2 के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, CBT 2 की, तो CBT 2 में आपके पास, अगर आप सिविल की बात करते हैं या कोई भी टेक्निकल की बात करते हैं, तो सिविल की ही बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, 15 नंबर ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि अगर आपके पास CBT 1 निकालने के बाद CBT 2 के लिए 1 महीने का टाइम अगर मिल रहा है तो उसमें कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको अभी से ही क्या करना होगा, CBT 1 के साथ CBT 2 को भी साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि CBT 2 के लिए हमारे पास कंटेंट क्या है, ज़्यादा है टेक्निकल का, बट टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो अगर आप अभी CBT 1 के लिए 70% टाइम दे रहे हैं, तो 30% टाइम आपको डिब्यूट करना होगा कहाँ पे, CBT 2 के लिए करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिक सा चीज़ वही है कि आपको टाइम कम मिलेगा और टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपको जो कोर्स दिया जा रहा हो कितने में दिया जा रहा है, 777 में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट विजिट करें और कोर्स में ज़रूर इनरोल करें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आज के अपना वीडियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके लिए, CBT 1 के लिए, नॉन टेक के लिए, और क्या बात करेंगे CBT 2 के लिए, किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है ना, कि सिविल इंजीनियरिंग में CBT 1 में, ठीक है, CBT 1 तो सबका सेम है, CBT 2 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 में जो वेटेज था अभी तक, जो पिछला पेपर था 19 वाला, उसके हिसाब से जो आपको वेटेज मिला था टॉपिक वाइज, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स हेड टुवार्ड्स अवर वीडियो। ठीक है, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना क्या है टॉपिक आज का, कि अपना वेटेज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता है, सभी ने सिलेबस देखा होगा। ठीक है ना, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सभी ने सिलेबस देखा होगा। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, बॉड मास है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, LCM एंड HCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, पाइप एंड सिस्टम है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस में देखेंगे तो आपके पास जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, आपको मिल जाते हैं, जो ज़्यादा लेंदी बोलो या ज़्यादा टफ क्वेश्चन बोलो, वो कहाँ से मिल जाते हैं अपने को, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं SI एंड CI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है,
तो अगर आप बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस जल्दी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा वेटेज के होते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा किसका वेटेज कितना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो आपका सिलेबस है, पहला क्या है, एनालॉजीज है, ठीक है, नंबर सीरीज है एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चेंज करा देते हैं कि प्लस एंड माइनस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, या इनटू या डिवाइड को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप है, ठीक है ना, इसको अपना ब्लड रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है, सिलोगिज्म है, ठीक है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी है, ठीक है, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो आर्गूमेंट्स एंड एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू जैसे होता है, ठीक है। वेन डायग्राम में होता है कि आपके पास वेन डायग्राम बना के दे दिया, दैट दैट इज रिलेटेड टू दैट, अगर आपको बोल दिया सर्कल है कोई दिखा रहा है, कोई रेक्टेंगल दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस क्या है अपना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, मेनली नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको प्रॉपर पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड दी वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स है, एंड जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में क्या अपना फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस बायो कहाँ तक है आपको, स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। तो ये क्या था अभी तक अपना सिलेबस था, ठीक है, जो कि आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है, सिलेबस क्या है ये आपके सामने रखा गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आरआरबी जेई का टॉपिक वाइज वेटेज था, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, अपने अपने सारे टॉपिक्स हैं उनका वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको कहाँ पे दिख रहा है, फिलहाल नंबर सिस्टम पे कितना दिख रहा है, 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 3 to 4 मार्क्स क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, एंड स्टैटिक्स है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स अपना 3 to 4 है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, ठीक है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उससे लेस वेटेज वाले क्या हैं, फिर जैसे 2 to 3 वाले देखते हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद वाले वेटेज वाले कौन से हैं फिर, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से 1 to 2 मार्क्स वाले क्या हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ है, देन ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर ये जो अपना मैथ वाला पोर्शन है, किसका वाला पोर्शन है, अगर हम मैथ के पोर्शन की बात करते हैं कि अगर आप प्रॉपर क्या करते हैं, अगर आप इसके प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं किसकी, मैथ के क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपका क्या है ये सेक्शन आराम से क्लियर हो सकता है, मतलब आप इसमें मोर देन 90% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो भी अपने पास टॉपिक है टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद उसके क्या लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको कहाँ जाना है, क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर आपको पीवाईक्यू सेशंस में जाना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लगाने हैं, याद रखना कि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमें लगाने हैं वो किसके लगाने हैं, आरआरबी जेई लेवल के, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, सीजीएल है, ठीक है ना, सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें क्या अपन पढ़ते हैं, उसमें भी मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी मैथ होती है, रीजनिंग होती है, ठीक है, तो जो मैथ के क्वेश्चन किसके लिए हैं, सीजीएल के लिए, उनका लेवल क्या होता, थोड़ा सा अप होता है, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो किसकी करनी है, हमें जो अपना आरआरबी जेई के लेवल के क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जैसे अपने आरआरबी के जो भी और एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन हम उठा के देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि सीजीएल लेवल के क्वेश्चन पे ना जाके हमें आरआरबी लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, और अगर एक बार अपना
पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो हमें फिर से उसे रिवाइज करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले जेई लेवल के लगा लिए, फिर अगर हमने एक ही बार लगाया और फिर आगे बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जेई लेवल की क्वेश्चन लगाएं और उसका क्या करें, प्रॉपर रिवीजन करें, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं किसकी ओर, नेक्स्ट अपना क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं वेटेज की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की वेटेज की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा होगा, सीरीज में दिख रहा है और डायरेक्शन सेंस में दिख रहा है और नॉन वर्बल रीजनिंग में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड में क्या क्या दिख रहा है आपको, सेकेंड में अगर हम बात करते हैं 3 to 4 मार्क्स में कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, जो थर्ड थर्ड है, मतलब 2 to 3 मार्क्स क्या है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजीज है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ठीक है। तो ये अपने किसके हो गए वेटेज, किसके हो गए, जनरल इंटेलिजेंस के, किसके हैं, जनरल इंटेलिजेंस के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की, तो ये सारे टॉपिक जिसने अभी क्या दिया होगा, एसएससी जेई के एग्जाम हुआ होगा, ठीक है ना, अभी एसएससी जेई CBT 1, ठीक है ना, जो अपना एसएससी जेई का CBT 1 हमने दिया है, ठीक है। तो जिसने भी ये CBT 1 दिया है, तो उसके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, RRB JEE CBT 1 में है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कैलेंडर क्लॉक, ठीक है, तो अगर इन सब को छोड़ के अगर हम बात करते हैं, तो सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, CBT 1 से, ठीक है, मतलब कहाँ से, SSC JEE से। इसमें भी हमें क्या करना है, टॉपिक वाइज कुछ हमें क्या पढ़ना पढ़ना है, पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका रिविजन करना है, हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, PYQ में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, PYQ में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आप SSC JEE का पेपर भी दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सेक्शन तो मुझे लगता है 90+ आराम से आप ला सकते हैं, ठीक है, इस पूरे सेक्शन पे, किस पे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका, जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखेंगे कि जो आपके मेजर वाले क्या है, मेजर वाले पार्ट क्या है, मेजर वेटेज को किसका किसका है, ठीक है, मेजर वेटेज आपका किस किस का है, आप देखेंगे तो किस किस का है, सबसे पहले किसका है, अगर आप देखें करंट अफेयर्स का, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, करंट अफेयर्स होती है, ठीक है, करंट अफेयर्स होती है। तो अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली, या फिर अगर नहीं हो पा रहा तो वीकली, या फिर मंथली, ये करंट अफेयर्स आपको देखनी है, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स आपको देखनी है। ये कहाँ पे मिलेगी आपकी, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपको कोर्स पे ही ये सारी चीज़ें आपको क्या मिल जाएंगी, डेली मिल जाएंगी, वीकली या फिर मंथली, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको क्या करेंगे, जो भी आपने कोर्स परचेज किया है वहाँ पे आपको मैराथन इसकी देख लेनी है, ठीक है, किसकी, जो भी आपका करंट अफेयर्स है, या फिर आपने क्या किया, PDF देख लिया उसका, किसका, मंथली का, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड में कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्या हो गया उसके बाद, हिस्ट्री है, ठीक है, और क्या है अपने पास, पॉलिटी है, ठीक है ना। पॉलिटी में भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट में क्या है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स का भी कुछ पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का है, बाकी उसके अलावा जो चीज़ें हैं किसमें डाल दी हैं, मिसलेनियस में, ठीक है ना। तो आपको मेन किस में ध्यान रखना है, इसमें करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है, आपको करंट अफेयर्स रेडी रखना है, क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स रेडी रखने से क्या होगा कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, करंट में कोई भी चीज़ हुई उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहाँ से दे देंगे, वो हिस्ट्री से दे दिया, ठीक है ना, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन दे दिया, या फिर कोई क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, पॉलिटी से दे दिया, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, ज्योग्राफी से दे दिया, ठीक है, ठीक। तो करंट से मेनली कहाँ से क्वेश्चन, जैसे आपने करंट प्रिपेयर किया है, तो करंट में आपको जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी में बात करते हैं, तो पॉलिटी में क्या होगा कि पॉलिटी में कोई भी चीज, मतलब मान लो कोई भी अमेंडमेंट हुआ किसी चीज में अभी फिलहाल, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, कोई चीज ऐड हुई है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से है, करंट अफेयर से है, बट कहाँ से आ जाएगा, उसी से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट पूछ लिया जाएगा किसमें, पॉलिटी में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से ज्योग्राफी में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, जैसे कोई भी घटना होती है, जैसे अभी वायनाड में जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें कोई भी
कोई भी डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है, उससे कहाँ से रिलेट कर दिया जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे चलते हैं, जो अपना क्या है कि जनरल साइंस के लिए क्या अपना वेटेज क्या रहता है, ठीक है ना। तो जनरल साइंस में अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्या है वेटेज, तो सबसे पहले जो क्या है, सबसे ज़्यादा अभी क्या दिख रहा है आपको, फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब आप कह सकते हैं कि तीनों लगभग लगभग क्या आते हैं, इक्वल मिल जाते हैं अपने, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, साइंस के लिए क्या करेंगे हम, साइंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो अपना एनसीईआरटी है, अप टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है, 10th लेवल तक की हमें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना कोई टफ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं है आपको पढ़ना, तो आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अप टू 10th लेवल, किस किस की, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों चीज़ें आप आराम से 10th लेवल तक का पढ़ सकते हैं, जो मेजर पार्ट आपको जैसे मिलेगा, तो आप 8th टू 10th में आपको क्या मिल जाएगा, मेजर पार्ट मिल जाएगा, 8th टू 10th साइंस की आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये पोर्शन आराम से हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर इसमें भी क्वेश्चंस लगाने हैं एंड देन पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, साइंस हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपको और कहीं से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई गेट एकेडमी का क्या लगाया है, बैच ज्वाइन किया, तो वहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी किसकी, टॉपिक वाइज पे, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक वो वाला पढ़ लिया, उस टॉपिक से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस लगा लिए, दिन उसके बाद क्या किया, पीवाईक्यू लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, एक तरीका होगा किसका, जनरल साइंस पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अब ये CBT 2 के लिए, किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं कि जो अपना वेटेज था अभी तक का, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, वो किसका कितना था, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स का, जो कि कहाँ हमेशा रहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो SSC JEE हो, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है ना, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में जितने भी अपने मटेरियल हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या, जैसे हमने पढ़ लिया ब्रिक पढ़ लिया, ठीक है ना, सीमेंट पढ़ लिया, लाइम पढ़ लिया, ठीक है, लाइम तो ज़्यादा नहीं आता, जैसे ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने स्टोन्स पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, अपने बिल्डिंग मटेरियल में आएंगी, ठीक है, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया, उसके बाद कंक्रीट हो गया, बहुत सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक। कंस्ट्रक्शन में अगर हम जाएंगे, जैसे मान लो स्टेयर केस हो गया, ठीक है, या फिर डोर्स एंड विंडोज हो गए, डोर्स एंड विंडोज हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि जो भी अपना कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें यूज होती हैं, लाइक क्या हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया, ठीक है ना, ठीक है, और भी जो दो चार टर्म्स है जो यूज होती है, वो क्या आता है, किसमें आता है, बिल्डिंग मटेरियल में आता है, जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अगर आप बात करें किसमें, SSC JEE में ही बात करें, या फिर यहाँ पे बात करें, तो आपको कंटेंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड पे क्या दिख रहा है आपको, इन्वायरमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कंटेंट भी इसमें क्या होता है, वेटेज अच्छा खासा होता है, किसका, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेनली क्या क्या होते हैं, रॉ वाटर इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आपको दिख रहा होगा थर्ड हाईएस्ट वेटेज में क्या दिख रहा है आपको, जियोटेक, ठीक है। तो ये जियोटेक वाला जो पार्ट है, सॉइल मैकेनिक्स का जो पार्ट है, ये आपको लगभग हर एग्जाम में, ठीक है, हर AEJEE एग्जाम में आपको इसका वेटेज, एक अच्छा खासा वेटेज मिलता है। क्यों, क्योंकि इसका एक सिलेबस जो क्या है, वाइड सिलेबस है, ठीक है ना। जैसे अपना सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी हो गई, जियोटेक में दो तीन पार्ट हो गए, ठीक है, फाउंडेशन अलग हो गया और इधर का जो सॉइल प्रॉपर्टीज उसका अलग हो गया, ठीक है। और अच्छा खासा वेटेज होता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, क्यों, क्योंकि JEE एग्जाम्स में आपको, जो भी JEE एग्जाम्स है उसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा
ज़्यादा ध्यान रखना होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे बनते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। आपको जैसे आप प्रीवियस ईयर अभी क्या लगाएंगे, PYQ लगाएंगे इसके, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे अभी प्रिपरेशन के टाइम, अगर आपने अभी पढ़ा है, कि ये क्वेश्चंस मतलब का लेवल क्या है, मतलब आपको लेवल कम लगेगा। बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपके पास प्रेशर होता है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन दिखा था FM का, कि आपकी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, सॉरी, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें यूनिट चेंज कर दिया था हमने, केजी मीटर सेकंड में किया था, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो कौन सा दिख रहा है आपको, उसके बाद दिखता है कॉन्क्रीट प्लस RCC, ठीक है ना, कॉन्क्रीट प्लस RCC, ठीक है। कॉन्क्रीट भी होता है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, और RCC, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसमें अपने RRBJEE में जो अपना सोम है, इसका भी वेटेज अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है ना। सोम का वेटेज भी आपको अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। सोम में आपके हो गए लोडिंग कंडीशन, हो गई जैसे बीम में कहाँ पे क्या लोड लग रहा है, ये सारे उससे आपका, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, कि जैसे आया हुआ था कि पिछला क्वेश्चन क्या आया था, कि एक आया था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL लगा हुआ है, पूरे बीम में UDL लगा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो अपना UDL लोड लगा पूरे इसमें, तो इसमें पूछ लिया था कि जो अपना BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसका शेप क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, जैसे कि क्वेश्चन दिखा था सोम में कि आपके पास कोई भी सिलेंड्रिकल थिन सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है ना, हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका रेशियो पूछ लिया था, ठीक है। तो आपको छोटी से छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, PDY2T एंड PDY4T, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, उसके बाद वेटेज किसका देखते हैं, तो उसके बाद जो वेटेज है किसका है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी अच्छा खासा वेटेज आता है इसमें, RRBJEE के में भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, क्योंकि ये बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, इसलिए अपना जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, इसी का RRBJEE पे भी हमें लिमिटेड रहना होगा, ठीक है ना। और बाकी आपको जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे, आपने जो भी ज्वाइन किया है क्लास कोर्स, वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेम क्या, फ्लूड मैकेनिक्स, तो फ्लूड मैकेनिक्स में आपको फ्लूड प्रॉपर्टीज हो गई और जो भी चीज़ें हैं उसके, पाइप फ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या अपना हाईवे है, स्ट्रक्चर है, और रेलवे है, ठीक है, और सर्वे, ये क्या है, लगभग लगभग सेम वेटेज में, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हैं कि इसमें हाईवे में भी ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हाईवे में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिखेंगे सर्वे से, ठीक है ना, मतलब जो भी सर्वेइंग की जाती है हाईवे के लिए, और अलाइनमेंट, ठीक है ना, सर्वे अलाइनमेंट हो गया, जैसे कि पहला सर्वे अपन करते हैं, रिकॉर्ड ये अपना मैप स्टडी करते हैं, जब भी हाईवे अलाइनमेंट करते हैं तो कौन कौन सर्वे होते हैं, पहला क्या होता है, मैप स्टडी होता है, ठीक है, सेकेंड क्या होता है, रिकॉनेजेंस होता है, ठीक है, फिर प्रिलिमिनरी होता है, फोर्थ क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हम देते हैं, ठीक है ना, फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है, फाइनल होता है DPR जहाँ पे देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पिछले बार के क्वेश्चन क्या हुआ था, क्वेश्चन ये था कि द सेकेंड स्टेज ऑफ हाईवे, जो हाईवे के लिए जो सर्वे किया जाता है उसका सेकेंड स्टेज का नाम पूछा था क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वे डन फॉर हाईवे अलाइनमेंट, ठीक है ना, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट अपना फाइनल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सा था अपना सेकेंड स्टेज में, क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो लास्ट में आपको दिख रहा है, पार्ट एंड CPM और स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज के दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसमें, सिविल में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना जो पहले पे, ठीक है, जो पहले पे आपको ध्यान रखना है क्या, इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया,
है, सोम हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अपना RCC प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये हो गया। ये आपके क्या है, ज़्यादा वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, फ्लूड मैकेनिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, मतलब हाईली वेटेज है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल के लिए अभी से क्या करना चाहिए, टेक्निकल के लिए आपको अभी से केवल क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, ठीक है। क्या करना है आपको, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे इसके, वो पहले पढ़ने हैं, देन रिवाइज करने हैं, और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने एज पर RRB JEE प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। RRB JEE का जो PYQ है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस लगाने, क्यों, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, सोम लिया, ठीक है, या फिर जियोटेक लिया, कोई भी चीज़ ले, तो हम किस में ज़्यादा फोकस कर देते हैं, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स लगाना अच्छा लगता है, इसलिए हम कहाँ पर जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में जाते हैं। बट हमें क्या पढ़ना, थ्योरी पोर्शन भी हमें रेडी रखना है, क्यों, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है अपना, कौन सा, RRB JEE का जो भी जो एग्ज़ाम है, उसका जो मेन फोकस कहाँ पर रहता है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल बोले तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना। अगर आप RRB के लिए तैयारी कर रहे हैं, JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट में फोकस करते हुए जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, जैसे इस बार आपने देखा होगा SSC JEE में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई दिए थे, ठीक है। असर्शन रीजनिंग टाइप, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो सेम तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे, RRB JEE में भी आपको क्या रहेंगे, क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको थ्योरेटिकल, जो कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रॉपर तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। और जहाँ तक बात किसकी है कि थ्योरी में आपको याद करने वाली चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें कहाँ मिलेंगी, बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें क्या रहेंगी आपको याद करने वाली रहेंगी, कि जैसे इसके फॉल्डिंग हो गया तो कौन से इसका, इसके फॉल्डिंग कहाँ पे लगती है, ठीक है, उसके टाइप क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सेम तरीके से आपको मेनली फोकस रखना है कहाँ पे, थ्योरेटिकल पोर्शन पे। तो ठीक है, तो ये क्या था अभी तक का एनालिसिस था, कि कौन सा सब्जेक्ट के किस टॉपिक में वेटेज किसका है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।